पहलेश यादव और मैक्सटन की हुई कंट्रोवर्सी पर फाइनली यूट्यूबर थगेश का आया ऐसा रिएक्शन। एलविश और मैक्सटन की फ़ाइट को लेकर दिया बड़ा बयान, तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रहिए अंत तक। भले ही दोस्तों एलविश और मैक्सटन में हो चुका है कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन अब फाइनली थगेश का एक रोस्ट आ चुका है और थगेश ने एलविश यादव को भी अपनी पुरानी पास्ट याद दिला दिया है। एलविश को लेकर थगेश ने क्या कुछ कहा है, इसको एक बार को आप ज़रूर सुनिए। तो एल्विश चाहे सही भी हो गया, एल्विश गलत। बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि मैक्सटन पोक कर रहा था एल्विश को। एल्विश ने अपने वीडियो में भी यही बोला कि मैक्सटन 6-7 महीने से पोक कर रहा था, इसलिए एल्विश ने मारा। आई मीन एल्विश रोस्ट वीडियोस बनाता है, बनाता था, बोल रहा हूँ मैं सिर्फ। अगर ऐसे ही पोक करने पर मारने लगे लोग तो एल्विश को कितने मारेंगे। तो ये था थगेश का रिएक्शन। वैसे तो थगेश इन सारी कंट्रोवर्सी से दूर ही रहते हैं, जैसा कि आशीष चंचलानी ने भी कहा था कि जिस तरीके से यूट्यूबर्स लड़ रहे हैं आपस में, ऐसा लग रहा है कि यूट्यूब को क्विट कर देना चाहिए। और अब थगेश ने भी याद दिला दिया है एल्विश को कि वो भी रोस्ट किया करते थे। तो कहीं ना कहीं एल्विश ने जो मैक्सटन पर हाथ उठाया वो गलत था, मैक्सटन ने पोक किया वो भी सरासर गलत था। लेकिन एल्विश यादव क्यों गलत हुआ वो खुद आपके सामने भी है सीसीटीवी, और अगर आपकी वीडियो लीक होती है, आपकी वीडियो वायरल होती है, तो जाहिर सी बात है अगर आप इतने बड़े और इतने पॉपुलर सेलिब्रिटी हो, इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो, तो आपकी इमेज तो ज़रूर ख़राब होगी। मैक्सटन ने अपना गेम खेल दिया है ये कहते हुए नज़र आए हैं थगेश। हालांकि थगेश का, अभिषेक मल्हान का मैक्सटन की अच्छी भाईचारा रहा है बिग बॉस में भी और बिग बॉस के पहले भी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थगेश जो है वो न्यूट्रल होते नज़र आए। लेकिन थगेश ने साफ तौर पर एल्विश यादव को वो चीज़ें भी याद दिलाई हैं कि जब आप खुद रोस्ट करते हो तो आपको खुद ब खुद, जब आप इतने बड़े लेवल पर पहुंच गए हो, तो आपको क्रिटिसाइज़ अगर कोई कर रहा है तो आपको वो क्रिटिसाइज़ हेल्दी वे में लेना चाहिए, ना कि स्ट्रीट पर फाइट करना चाहिए, स्ट्रीट पर लफड़े करने चाहिए। और आप एक इंसान को मारने 10 लोगों को लेकर पहुंच गए। फिलहाल आप बताना कमेंट बॉक्स में थगेश के इस बयान पर आपका क्या है ओपिनियन, और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।